Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Elden Ring. See if I can find something new. We are going to watch and kill here. तीन ही था ना अंदर में देख क्या था भाई हाँ यहाँ पे बॉस फाइट है चलो चलो सही जगह तो आया जैसा भी बॉस हो यार स्मॉल बॉस हो मतलब मीडियम बॉस हो मिनी बॉस हो के ये तो शुरुआती तौर का बॉस है जो मुझे नहीं मिला था मुंबन के सब निकालना पड़ता है भाई damage negation इधर तो आसपास और कुछ दिख भी नहीं रहा है तो आया भी इधर से ही था एक दूसरा जगह है वो भी एकदम नजदीक है मुझे लग रहा है वो भी अनएक्सप्लोर्ड है वो भी एकदम यहीं पे तो थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ेगा
दूसरे इस साइड पे है, ये वहां पे है। मेरे बॉस इतना कमजोर था उससे मेरे को मिला भी कुछ नहीं। पता नहीं शायद मैं इधर आ चुका हूँ। खुला हुआ नहीं है मतलब यहाँ पे नहीं है हमें। अगर आगे होता तो हम लोग खुल जाता। अनएक्सप्लोर्ड है स्टॉर्म फुट, क्या नाम है इसका, स्टॉर्म फुट कैटाकॉम्स। ए प्रॉपर डेथ मीन्स रिटर्निंग टू अर्थ ट्री until the time comes and the roots call to you। मैं मरने की बात क्यों कर रहा हूँ? भाई ये खेत में इतने रॉट लगा दिया था पूरा। जोड़ के पीछे ही बॉस होगा। समनिंग पूल एक्टिव है लेकिन किसी बॉस के लिए समन करना मतलब बेकार हो जाता है। एक एक करके यहाँ सब एक साथ मिलता। इनसे भी ज्यादा तो मिलता नहीं है। देख के जाऊंगा ना जब पीछे से अटैक ना करें। कर सकता हूँ जैसे ओ भाई। अच्छा चलो इसका रेंज यहाँ तक है तो खड़ा हो सकता हूँ। रैटिंग रैटलिंग पिट हैलो। अच्छा सही है भाई, तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अरे बाप रे यहाँ पे तीन चार है, इसको पहले हटाता हूँ।
बिल्कुल होगी। यहाँ पे सीढ़ी है तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। मतलब लेवल अप होने के बाद मजा ही कुछ अलग होता है ना खेलने का इस गेम को। चलो दो जगह से दो चीज मिला, अच्छा अच्छा ये हम लोग यूज कर सकते हैं अभी। मेरे को अच्छे से ट्राई करना है। अरे ये वाला नहीं, इधर ये इसको हटा के स्केलेटल बैंडेट, स्केलेटल म्यूजिशियन, और इसको हटा के स्केलेटल बैंडेट को ले लेता हूँ। अभी ये तीन है, एक सेकेंड एक सेकेंड इसको हटा। मेरा वैनिश लाइट खोलना है अभी, ठीक है। और इसके जगह ले लेता हूँ दूसरा छठा वाला डेंजरस वाला, ये वाला। हम छः में अलग अलग है, पाँच में अलग अलग है, इसमें तो रिंग है। इसमें भी चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता। 12 कहाँ हो सकता है यार, कोई अलग जगह जाता हूँ भाई।
तुम लोग लिमग्रेव टनल्स के अंदर जाएंगे, मैंने मार्क करके रखा है। लिमग्रेव टनल्स में और भी बॉस है जो मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे मैं इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, लेकिन मिस हो गया इस वजह में। ये सब ये जगह आप लोगों को पता है, यहाँ पे वो वाले ये रहते हैं जो माइनिंग करते हैं। अभी मैं इधर आया था ना, मैं तो नहीं आया था, क्या बात कर रहे हैं, मेरे को लगता मैं आया था इधर। मेरे को 100% लगता मैं आया था। लेफ्ट है, एक सेकंड एक सेकंड, नीचे जाने से पहले अच्छा इसको ऊपर बुलाते हैं। ये स्पेसिफिक जगह पे उतरना है भाई, ऐसे नहीं कि कहीं भी उतर गया है, नहीं इस पे उतरना है। मार भी सकते हो, अभी चुपके कोई फायदा नहीं है। ये सब चीज रह गया ना, ऐसा हार्ड भी हो सकता है इजी भी हो सकता है, पता नहीं, चलो देखते हैं। अभी फोन आ जाएगा दोस्तों का, उसको मिलते हैं। क्योंकि अभी मैं सेकंड मेन बॉस को ही नहीं मार पाया, इसका नाम मैंने नहीं है, मैं मैंने नहीं बोल रहा हूँ, इसका नाम क्या है, रोड्रिक या कुछ है ऐसा कुछ, उसको जाऊँगा और थोड़ा बड़ा हूँ फिर जाऊँगा, जो स्ट्रॉन्ग वेल कैसल में बैठा हुआ है उसी को मारने जाऊँगा इसके बाद।
So we are nearby death-touched catacombs. You can find this near the Seine bridge. You go a little bit left and you can find this death-touched catacombs. This is the bridge here, down here. This is the bridge down here. You can see there's the Saint's Bridge Grace, and from there you can come up from this side, and through here you can come here. I think I have like left this place because I was not that powerful at that time. Already like unlocked this door, but I did not go in. Let's see what this boss, how powerful this boss is. I don't know. Let's see. Oh, black knight assassin. What the fuck? Why this assassin's health is half? I think I came here, I died midway. But ऐसे भी होता है क्या? Already half health इसका. अरे पीछे क्यों भाग रहा है? अच्छा. Very chalak bro. Still not chalak enough. Holy shit. सर मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ. दोबारा पीछे भाग जा रहा हूँ. अभी जाके लाना एक एक. Assassin's Crimson Dagger. Throat. Assassin's Crimson Dagger. ये कैसा पता नहीं. बहुत ना हार्ड नहीं था. डैमेज तो भर भर के आ रहा था भाई. Assassin's Dagger. ये लगता है restore HP. Use कैसे करूँ इसको? यहाँ तो दिखा भी नहीं रहा है. What the fuck? एक डैगर है लेकिन ये वो डैगर नहीं है ना जो मैं ढूंढ रहा हूं. कैसा चुतिया भाई यार. अच्छा अभी समझ में आया. इसको वहां पे डालना है. चलो
एटलीस्ट ये तो हो गया। इसका हाफिल कब खाया था मैंने पता नहीं, मेरे को शायद पिछला कहीं वीडियो में होगा, कोई वीडियो में होगा। आज तो मतलब बहुत लॉस गया है, बहुत बहुत लॉस गया है। उसका भरपाई हो रहा है भाई, एक वीडियो में 3-4 बॉस मार दिया मैंने, वो भी शुरुआत के आधे घंटे में ही। ओके लेट्स ट्राई दिस अगेन। ओह शिट, I cannot invoke any other. I missed. What the f- अरे साला, और एक हिट भाई हो जाएगा, एक हिट के लिए नहीं हुआ यार इसका। ये डबल अपना पूंछ से मारता मैन, के लोरे पूंछ से मारता हरामी का औलाद। साथ साथ हीलिंग ख़त्म करके भी नहीं हुआ, मैं गलती से बहुत जल्दबाजी में मार खा रहा होता, इतना मार नहीं खाना होता यार। हो जाएगा आराम से, इससे कुछ खास तो मिलेगा नहीं मेरे को लग रहा है। 100% इससे कुछ खास नहीं मिलने वाला। Salah.
क्या मिस कर रहा हूँ मैं यार। क्या चुतिया प्रेंज है भाई। क्या मातर छोटी है बैम के लोड़े का बाल। बैम चोट की औलाद का रेंज इतना ज्यादा हो जाता है ना पूंछ आने के बाद। लंड का बाल पूंछ लगा के घूम रहा है मैनचोक के बाद। क्रिटिकल हिट्स तो ज्यादा होना चाहिए यार जब हेल्थ लो है, फिर भी सदा नहीं होता है पता नहीं क्यों। रेंज मेरे को बहुत तरबा रहा है अभी सारा रेंज। मादर चोद क्या अच्छा रहा है चोद हील नहीं होने देता है। लोड़े का बाल खुद साला पूछ मूछ मम्मा का गाड़ लेके आ जाएगा फाइट करने के लिए रैन चोद का बच्चा। वो वाला तो बहुत इजी लगा था ना कि हेल्प करने आ गया था कोई। आज तो करना ही है भाई जैसे भी हो। आज तो मैं मतलब सोच के आया हूँ कि इस गांडू को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। एक था मतलब
वाह बेटा वाह, स्टॉर्म करेगा उसके अम्मा के चूत से चाँच निकलेगा बहन चूत को। गाली आता है भाई मन में, गाली नहीं आएगा भाई। एक तो साला गर्मी में खेल रहा हूँ क्योंकि ऑडियो साला सुनाई नहीं देता है, उनसे माँ चुदा है ऑडियो बहन चूत। चूतिया का बच्चा, क्या रेंज है माधवचोक का। किट का मेहमान हूँ, बोला ना किट का मेहमान हूँ। इसका पूछ, इसका रेंज 120% बढ़ा देता है। ये जो पूछ मारता है ना, इसके मम्मी के गांड से निकालता है पूछ, ये पूछ बहुत खतरनाक है भाई। पूछ करके अंदर घुसा देता है विदाउट कंडोम, चोट देता है। और कब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा, इतना बढ़िया पूछ मारता है। गांड में घुसा के सामने से निकालता है, मुंह से हगोगे मैं जो इसका पूछ लगेगा तो।
जल्दी पूछ निकाल लिया रे। डर तो इसको भी लग रहा है ना बेटी चौध को। चांस है भाई करने का। भाई देखो इसको, देखो इसको, अच्छा को देखो सारा। अपन कोई चांस नहीं लेगा। ये चांस लेता है भाई। इसको तो एक हिट लगेगा मार देना मेरे को। मैं इधर उधर घूम रहा था, चूत ये क्रूसिबल चूत का मार। बट डैम के लिए क्रूसिबल चूतिया है तो तेरे को मिडिल फिंगर भी नहीं दिखाऊंगा मैं। क्रूसिबल चूतिए के बच्चे आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। क्रूसिबल के बच्चे तो अभी एक ही दो जगह देखो। यहाँ पे एक था, सॉरी यहाँ पे एक था जिसको मैंने हेल्प लेके मारा, और इसको अभी थोड़ा रगड़ के मारा। थोड़ा नहीं, बहुत रगड़ा है, पहले रगड़ा है, अभी थोड़ा रगड़ा तो हो गया। और एक मेरे को मिला था, हाँ सच में और एक मेरे को मिला था ये यहाँ पे, ये मेल फैक्टर सेवर गोल्ड। ये भाई इससे साथ ज़्यादा फाइट तो नहीं किया मैंने, लेकिन ये खतरनाक है भाई ये। अभी सब बॉस को मैं एक ही वीडियो में मारूंगा तब भाई तो हो गया भाई फिर, है कि नहीं। तो कुछ तो मिस हो गया यार, मैं हाइडवर्ड केव में हूँ। यहाँ पे कुछ मिस हो गया है लग रहा है, क्योंकि साला मतलब ढका हुआ रहता है। एक सेकेंड, हाँ अभी दिख रहा है। कभी ये चीज से ढका हुआ रहता है। यहाँ पे मैं आया था, आप लोगों को याद होगा। इधर से ही नीचे जाना पड़ेगा, मैं नीचे तो नहीं गया था 100% श्योर हूँ मैं। इधर आया, नीचे भी गया था, लेकिन शायद पूरा मैं नहीं सर्च किया था। अभी पूरा करना पड़ेगा ना भाई। ये थोड़ा बड़ा जमता, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं, ऊपर वाला दिख गया तो पहले। हाँ ये तो इधर बंद है, तो जो भी रास्ता होगा सामने ही होगा। हर एक केव में तुमको एक बॉस मिलेगा, लेकिन इस केव में मेरे को बॉस नहीं मिला था। ये मेरा सबसे बड़ा मतलब सवाल था इस केव में आने के बाद, कि साला हर एक केव में कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ बॉस कुछ रहता है। यहाँ पे पानी वानी का चक्कर है। एक सेकंड,
देख के आता हूँ ना। अभी बता के थोड़ी आएगा कि भाई इधर है। ये देखो यहाँ पे आता नहीं तो इसे कैसे मिलता ये सब। कुछ भी हो, एस्टेरिया लीफी हो, साले को देख रहे हो पीछे से आ रहा है। इतना दिमाग है। अच्छा ये तो वही जगह है, चलो घूम फिर के इधर ही आता है, कोई बात नहीं। तो रास्ता जुड़ जाता है इधर से आके। मैं बोला ना मैं इधर आया था, मैं इधर आया था, देखो ये सब सब याद है मुझे। मैं इधर आया था लेकिन यहाँ पे रास्ता गुम हो गया मेरा। मैं यहाँ पे सोचा कि क्या अंधेरा जैसा जगह है, इसमें कुछ है भी कि नहीं, कुछ मिलेगा भी कि नहीं, ये सोच के मैं निकल गया यहाँ से। लेकिन भाई असली खेल तो यही पे है। असली खेल क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि पानी के पीछे तुमको ऐसे चुटिया मिलेंगी। लेकिन हाँ लेकिन है भाई, इसमें हर बार ये मत सोचना कि यही मिलेगा। यहाँ से कूदने पर लग रहा है ना कि जब मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरूँगा भैया, पानी नहीं गिरूँगा। साइड ही है तो पहुंचा। आजा आजा इधर आजा, मेरे को जा जा के फाइट करना नहीं है भाई। तुम लोग इधर आ जाओ, एक साथ मर जाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। उधर जाना है, अगर कूदने के बीच में कोई अगर आ गया तो मैं नीचे गिर गया, तब यहीं पे कहानी ख़त्म। अरे बाप रे बाप, डर लगता है भाई ऐसे कूदने में तो। ये असल में देखने में बहुत बहुत बड़ा है। छोटा सा जगह दे रहा ना हमें फाइट करने के लिए। अच्छा ये इधर से घूम के आके इधर ही आता है।
क्या बात है भाई, तुम लोग तो मस्त रास्ता बनाए हो। ओह अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, मेरे को जो लग रहा है वही हो, वही है यहाँ पे। मैंने सोचा था यहाँ पे यही सब होगा, यही सब कुछ नहीं है, है ना। अभी मेरे को जो लग रहा है, मेरे को लगता है 100% वही होगा। या तो इस पानी के पीछे कुछ है, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा उस साइड। यहाँ से कूद के मैं गिर जाऊँगा, जिधर से आया था उधर से जाता हूँ। नीचे वाला दिख रहा है रास्ता आपको, एक पिलर जैसा है। यू कैन सी द पिलर विथ योर नेकेड आई। नॉट इम्पॉसिबल टू सी। देख रहे हो, यही तो चीज़ मैं अवॉइड कर रहा था तब से। मेरे साथ ही होता है यार, कूदने का मतलब प्रॉपर कुछ नहीं है। आ जा आ जा आ जा। तेरे को क्या इनविटेशन दूँ? और एक आएगा ना इधर से, आ जा। हाँ तो ये जो पिलर दिख रहा है इसी पे जंप करना है। ओह मेरा तो वहाँ फंसा हुआ है वो चीज़, मतलब मेरे को जंप करके उधर जाना ही पड़ेगा। भाई इस बार मत गिरना प्लीज। एकदम कोना से जंप करूंगा। अरे बाप रे बाप, पानी भाई पता नहीं पानी इतना ज्यादा। बोला था ना पानी के, अभी तक बॉस यहाँ पे साला। ये लोग मतलब कहीं भी छुपा देते हैं बॉस को, ऐसे ऐसे जगह पे बॉस छुपाएंगे भाई। अरे इधर आ जा, गार्डियन बोले भैया। चूतिया चूतिया चीज मिलता है यार। वांडरिंग नोबल्स,
इसमें बहुत सारा बॉस फाइट दिखाया ना मैंने, एक बॉस फाइट में स्ट्रगल किया था वो धीरे धीरे, वो रॉट वाला ड्रैगन, फिर मागमा वाला ड्रैगन, ये सब भी हम लोग करते रहेंगे, मतलब करेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब करेंगे भाई, सब करेंगे, करने के लिए ही तो आया हूँ मैं, चुप रहने के लिए तो आया नहीं हूँ भाई। तो हम लोग जाएंगे इधर, ज्यादा कुछ नहीं पता यार, यहाँ पे कुछ मर्चेंट वगैरह है, लिमग्रेव इधर ये रहा, मस्त बजाता है यार, इसको डिस्टर्ब करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को कॉपीराइट लग सकता है भाई, उसका सोच के मैं इसको डिस्टर्ब कर देता हूँ थोड़ा सा। तुमको सुनना है भाई, बहुत सूदिंग म्यूजिक लग रहा है मेरे को ये तो, वो भी कैसे, एक लकड़ी पे एक स्ट्रिंग लगा के बजा रहे। पिकल टर्टल नेक, स्मिथिंग स्टोन ले लेता हूँ, काम का चीज है, एक्सपैंड क्राफ्टिंग ये भी ले लेता हूँ, शॉर्ट सोर्ड नहीं चाहिए, शॉर्ट सोर्ड, फ्लेम चैरियर, नॉट इम्पार्टिंग नॉलेज इन ब्रीफ ये भी ले लेता हूँ, हेलबर्ड ऐसी इफेक्ट्स उतना कुछ है नहीं इसका, ले लेता हूँ, 1200 रुपये क्या है, बेचने के लिए मेरे पास ये है ना, 2400, रोर मेडेलियन, इसका साला शायद एक मेडेलियन का हम लोग को हाफ मिला था ना, गोल्डन रून 9, मेरे पास गोल्डन रून 10 भी तो मिला था, अभी तक मैं वो इंटेलिजेंस मेरे को बढ़ाना पड़ेगा यार, यूज़ ही नहीं कर पा रहा मैं, बहुत कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा, अभी देखो अपग्रेड करने के लिए अभी बहुत चाहिए, इतना चाहिए कि मेरे पास उतना है नहीं, ठीक है सब बेच दूंगा फिर भी नहीं होगा। भाई इसके तुम्हारे पास बहुत कुछ था। आऊंगा फिर वापस, कुछ चाहिए होगा तो इससे थोड़ा सा ये साइड भी चलता हूँ यार, इधर मैं आया तो था,
ये अच्छे से नहीं घूमा था शायद। ये बियर ये सब दिख चुका हूँ पहले भी। ग्रेवयार्ड यस। मेरे को लगा मैं कुछ मिस कर गया हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं वापस आया। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll be back with more exciting videos. Until then, stay tuned and have a good day, guys. Bye. Take care. See you soon.